अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मॉर्निंग की शुरुआत हम जो है हमारे पास में प्रेशर पंप है और वाटर प्रेशर पंप, वो उसका रिपेयर करने के लिए आए थे। तो वो मैंगलोर में कहाँ पर सूरतकल में जो है एक प्लेस है जहाँ पर वो रिपेयर किया जाता है और बहुत ही बढ़िया। अगर आपका वाटर पंप जो आपका प्रेशर पंप जो है जो कार वॉशर है उसका अगर कहीं पे भी आपको रिपेयर करना है तो वो यहाँ पर हो जाता है। तो हमारा जो था उसमें जो है लीक हो रहा था जो हमारे पाइप में, तो उसको रिपेयर करना था। तो आरिफ जो है वो यहाँ पर लेकर आया हुआ है, तो वो आरिफ का ही है वाटर पंप प्रेशर। वो हम लोग के घर पे जब काम करते समय वो टूट गया था, यानी लीक हो गया था। तो किसी ने बताया कि इस जगह पर जो है वो रिपेयर होता है, तो हम यहाँ पर आए चेक करते हैं कितना वो लोग चार्जेस लेते हैं इसका और किस तरीके का काम होता है। ये फिक्स करके दिया, कटिंग करके फर्स्ट क्लास हो गया। मशीन है, मशीन में फटाट हो जाता है। अब बंद पार दीजिए। हाँ बोला है। हाँ। इसमें फ्यूल लगाने का जो है 275 चार्ज हो गया। 250 कम गया। डिस्काउंट करके 275 हो गया। कौन से जगह पर अंदर आके बैठा हो? तो गाइस, जो ये लोकेशन है वो एसके होस पाइप, वहाँ पे आपको अंदर एंटर करना है और वहाँ पर आपको जो है ये रिपेयर सेंटर मिलेगा। हाइड्रोलिक पाइप्स वगैरह रिपेयर होता है क्या? वो एक बंदा हम लोग से पहला आया ना, हाँ। वो गैस का जो उसका जो गाड़ी में कनेक्ट होता है ना, हाँ। रेडिएटर को, हाँ। वो पाइप में होस पाइप कनेक्ट करते ना, हाँ। उसको ज्वाइन करके दिया। वो यानी ऑलमोस्ट सभी जो है पाइपिंग का काम है वो इन लोग कर लेते हैं। लेकिन जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आदमी फोन करके आना पड़ेगा उसको। चाकू है। ठीक है, ठीक है। बाइक को फुल वॉश करके रखा गया है गाइस, अभी बाइक क्लीनिंग हो चुकी है, वॉशिंग हो चुकी है, चमक रहा है बाइक एकदम सुपर। बाइक नहीं, आई मीन स्कूटी। तो गाइस, यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही अच्छी खासी बारिश हो रही है। आज सुबह से मॉर्निंग से जो बारिश स्टार्ट हुई है, 7 बजे से जो बारिश स्टार्ट हुई, कंटिन्यू बारिश है, माशाल्लाह। और ये बारिश होना बहुत ज़रूरी था, इतनी गर्मी हो चुकी थी अब तक के। अब मैं अपने पीछे साइड के बालकनी में खड़ा हूँ, वहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। बारिश का मजा ले रहे हैं। यू गेट रेडी, नाउ वी हैव टू गो नाउ। ओए आदि, बहुत ही प्यारी ठंडी हवा चल रही है और बिजली भी खतरनाक खड़क रही है। उसके बीच में ये पपलू टपलू आ चुके हैं गीले होकर। ये देखिए, क्या बिजली खड़क रही है, पपलू टपलू चपलू तीनों जान आ चुके हैं। हाँ, तो गाइज हम जा रहे हैं आदि के स्कूल, जहाँ पे आदि का पेरेंट्स मीटिंग था, स्कूल स्टार्ट होने से 1 दिन पहले की बात है। ये
हम लोग उड़पी के लिए जा रहे थे और रास्ते में देख रहे कापू से थोड़ा आगे, कापू से थोड़ा आगे बस एक ट्रक जो है पलटी मार के गिरा हुआ है। इतना बड़ा ट्रक कैसे गिर गया भैया? हाँ वहां से ट्रक में शायद लोडिंग ज्यादा था, ओवर लोड है। ये देख रहे आप ट्रक हमारे सामने जो ट्रक पता नहीं और उसके अंदर सामान क्या था, चना था शायद, शेंग नहीं कटले से भरा हुआ जो है काजू, काजू का है। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है जो रास्ते में हम लोग को देखने मिला, बड़ा ट्रक जो है काजू से भरा हुआ कंप्लीट, जो कच्चा काजू होता है। एक किलो हजार रुपए है, बहुत ही महंगा है काजू जो अभी रास्ते में पड़ा हुआ था, पूरा गोनी भरा हुआ था, फुल ट्रक था वो जो है पलटी मार के गिरा हुआ है। अब कैसे एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन फुल्ली लोडेड जो है ट्रक था। हम जा रहे हैं उड़पी में जहाँ पर मेरे को मेरा अपना लाइसेंस कलेक्ट करना है, उसके अलावा जो है आदि का यूनिफॉर्म लेना है, देन उसके बाद और क्या काम था अभी मॉडल था मशीन देना है सर्विस के लिए, ओके और क्या था तीसरा काम बाइक का बुक्स, ये बाइक का बुक जो है फर्स्ट ईयर का वो भी कलेक्ट करना है हमको, तो वो परचेज करना है। यहाँ पार्किंग का बड़ा पार्किंग अपने जिलेबी और थोड़ा पार्सल बना लो माल कुआ खा रहे फ्रेश फ्रेश, यहाँ पे परचेज करने आए थे कुछ स्वीट्स के आइटम, तो ये बढ़िया सा शॉप है उड़पी में। कैचअप भी करते बने हाँ लोग ऐसे बॉम्बे डाल रहे थे कुछ ये नहीं है स्पाइसी थोड़ा लिम्बोर्गिनी फिर क्या हाँ चॉल अर्शी का जो है फर्स्ट ईयर का टेक्स्ट बुक जो है हम लोग ने परचेस कर लिया है। तो गाइज हम लोग ने अर्शी का जो है वो टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो फर्स्ट ईयर का है वो यहाँ से हम लोग परचेस किया है, ये है भारती बुक सेंटर, तो यहाँ पे हो गया इसका सारे के सारे टेक्स्ट बुक 680 के आसपास जो है टेक्स्ट बुक का पूरा पूरा हो गया, उसके साथ में एक्सचेंज कर लिया हमने लाओ के हाथ से मेरा लाइसेंस माशाल्लाह। चलो ये लाइसेंस बन गया विद इन टू शर्ट रेडी हो चुका लेकिन पैंट रेडी नहीं हुआ, तो उसके लिए वापस एक चक्कर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो आसिफ को बोलकर जो यहाँ से कलेक्ट कराना पड़ेगा मैत्री आसिफ से बोल, तो देखते अभी क्या सीन है शाम का। ये देखिए जैसे मैं घर पे पहुंचा तो यहाँ पे सारे जो बच्चे बच्चे जो यहाँ पे आगे पड़े हुए बट भगा लो सबको नीचे लगे जा, अरे ऐसा कैसा जा जा कर ऊपर के बैठे बारिश हो रहा था ना, भेज सब जा नीचे पता नहीं किसका जा इधर के अंदर आ जाएगा गिरेगा ऊपर से लेके आते नीचे लगे खींच के लेके आया तो मैं लेके आया अच्छा नीचे पूछ करके लेके आया जाता है लोग जा। तो भाई कल से जो है बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने वाली है, आदि का स्कूल स्टार्ट हो चुका है, आदि जो है कल उसका पहला दिन है, आज स्कूल गया था वो लेकिन आज जो खाली बस इंट्रोडक्शन के लिए गए थे हम लोग एक घंटे के लिए, अभी कल से जो है उसका रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और कल फल फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे जो है उसका हाफ डे है, तो बुक से सारे कवर जो है काम जो है वो मुझे ही करना पड़ता है, हर साल का काम है मेरा, तो हमारे घर वालों को किसी को आता नहीं करने के लिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं तो करती हूँ हर साल करके, लेकिन ऐसा नहीं है झूठ है, वो लोग जब करते हैं तो पूरा ख़राब कर लेते हैं, मेरा बाइंडिंग देखिए आप कितना परफेक्ट है। आज आदि का जो है स्कूल का पहला दिन है और मैं उसको बस के लिए ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, बस जो है घर से बहुत ही नज़दीक ही यानी कि एक 200 से 300 मीटर के रेंज पे जो है बस आता है पिक करने के लिए, घर के एक्जैक्टली सामने नहीं आ पाता क्योंकि वहाँ पे यू टर्न मारने के लिए नहीं है और वो बस का जो साइज़ है बहुत ही बड़ा ह्यूज साइज़ है, तो डॉन बॉस वो स्कूल का बस है, तो देखते हैं आदि का पहला दिन स्कूल का कैसा लगता है, और वो मुस्कुरा रहा है खुश है, यूनिफॉर्म ये है आदि का
तो किंडरगार्टन यानी कि इंडियन स्कूल सलाह का जो है किंडरगार्टन का जो यूनिफॉर्म था वही यूनिफॉर्म जो है यहाँ का उसका 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का है। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस यही बस है आदि का, बहुत ज़्यादा बड़ा बस है तो उसको यू टर्न मारने के लिए पूरे ग्राउंड चाहिए उसको। अब हम जा रहे हैं अर्शी के कॉलेज पे। आज अर्शी का भी पहला दिन है कॉलेज का, तो देखते हैं अर्शी का कॉलेज कैसा रहा और उसका कॉलेज किस तरीके से है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अर्शी ने PPC अदमार कॉलेज ज्वाइन किया है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही पुराना कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मैंगलोर के अंदर। ये देखिए ये अर्शी के क्लासमेट्स है, अभी अर्शी के दो न्यू फ्रेंड्स है, एक का नाम यश है, एक का नाम क्या यश, और तेरा नाम क्या है मिशाल। ये है मिशाल, नाम तेरा एकदम डिफिकल्ट, एकदम अलग ही नाम है। फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ था तू मिशाल? इंग्लैंड गया? वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम इंग्लैंड। ब्रिटिश पीपल मिशाल। हे मिशाल, हाउ आर यू? गुड। ये देखिए कितना खूबसूरत घर है यहाँ पे राइट साइड में, ऐसे और भी बहुत सारे घर हैं यहाँ पे जो बड़े 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 बड़े। यहाँ पर एक स्पेशलिटी है, घर आपको बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे। ये सारे बच्चे आप देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे चल कर जाते हैं। तो गाइस ये है एरिया उद्यावरण। ओके गाइस, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये राइट साइड का जो हॉस्पिटल दिख रहा है राइट साइड में, आदि यहीं पर पैदा हुआ था इस हॉस्पिटल में। ये अंदर देख रहे हैं आप, ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पर आदि पैदा हुआ था। अब हम जा रहे हैं जयलक्ष्मी, जहाँ पे हम लोग कुछ सामान लेना है, कुछ शॉपिंग करना है। आदि को खुद को पता नहीं वो कहाँ पैदा हुआ, वो तो अभी तक सोच रहा होगा कि मैं सलाला में पैदा हुआ। तो ये जगह था जहाँ पर वो आदि पैदा हुआ था, ये हॉस्पिटल है। तो गाइस अभी हम लोग जयलक्ष्मी जाकर आए हुए, तो वहाँ पर जो शॉपिंग करना था कर लिए, ठीक है। अब हमको लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोग खाने का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। रास्ते में एक जूस सेंटर मिलता है, गन्ने का जूस, शुगर केन का जूस, तो वो पियेंगे और उसके बाद में कोई फास्ट फूड आइटम्स जो है परचेस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग रुके हैं, यहाँ पे एक लेडी जो है वो गन्ने का जूस बनाती है और उसके बच्चों के साथ में मिलकर जो है हम हमेशा रास्ते में जब जाते थे तो उसको देखा करते थे। तो आज हमने सोचा चलो उसी के पास से जूस लेते हैं, यहाँ पर रुके हुए। अब देखते हैं जूस बना रही है, ला रही हो। तो ये है गाइस गन्ने का जूस जो अर्शी पी रहा है। जिस लेडी से हम लोग बात कर रहे थे उसकी भी एक दुख भरी कहानी थी, तो मैडम ने उससे पूछी उससे कितने साल से आप यहाँ पे काम करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं 6 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। उनके 4 या 5 बच्चे, कितने 5 बच्चे, 5 बच्चे और उसमें 4 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। और हम लोग हमेशा जब जहाँ से जाते थे तो उसको देखते थे, नोटिस करते थे। तो आज हम लोगों ने सोचा यहीं पे वेट करते हैं, यहीं पे पीते हैं जूस, और अच्छा जूस था। और पूछा फिर हस्बैंड क्या करता है, तो पता चला कि हस्बैंड जो है हार्ट पेशेंट है, तो वो जो है बेड पे, यानी कि तो वो काम नहीं कर सकता। तो ये अकेली जो लेडी है वो अकेली पूरा घर संभाल रही है, मॉर्निंग में 10 o'clock से 10:30 से लेकर रात के जो है शाम के 7 बजे तक, 6-7 बजे तक की जो है काम करती हो, स्ट्रीट ड्यूटी। तो हैड्स ऑफ इस तरीके के जो औरत लोगों को जो है, हैड्स ऑफ। चलो लेट्स गो। तो जस्ट अभी हम लोग अपने घर पर आकर पहुंचे हैं और आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैक्सिमम जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, दुआ में ज़रूर याद रखना। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।